गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हो, आज का जो मेरा वीडियो है वो है डेकर्स लेन का व्लॉग। मैं डेकर्स लेन बहुत बार जा चुकी हूँ मगर कभी व्लॉग लेने का सोचा नहीं है, तो आज लूँगी मैं व्लॉग। और मैं घर से निकल चुकी हूँ सज धज के और मैं जा रही हूँ डेकर्स लेन। मैं मेट्रो से जाऊँगी। और हाँ, और एक बात जो मैं बोलना चाहती थी कि बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मैं दिल्ली वाली लगती हूँ, मैं कोलकाता से नहीं लगती हूँ। सो मैं एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं कोलकाता से हूँ। आई एम अ बंगाली, अभी बॉन्ग कौन ना। और एक बात जो मैं बोलना चाहती थी कि जब मैंने यूट्यूब एनालिटिक्स में अपना वीडियो का एनालिटिक्स चेक किया, तो तब मैंने देखा कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि अदर कंट्रीज़, यानी कि अदर कंट्री से भी, इंडिया को छोड़कर अदर कंट्री से भी मेरे वीडियो लोग देख रहे हैं। यार सच में अदर कंट्रीज से भी देख रहे हैं? कैसे? आई मीन कैसे? जैसे जैसे बंदूक की गोली भी बाहर से मुझे देख रहे हैं, बाहर से कि इंडिया से भी मुझे देख रहे हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बोलो कि कैसा लग रहा है मेरा व्लॉग्स और मेरे वीडियोस। और हाँ, अदर कंट्रीज़ वालों तो ज़रूर ज़रूर मुझे बोलो कि कैसा लग रहा है मेरा व्लॉग। पहुँच गई हूँ रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, वॉक करते करते आप लोगों से बात करते करते यहाँ से मैं आगे मेट्रो लेके इस प्लैनेट में जाऊँगी और मैं इस प्लैनेट में उतरूँगी। फिर वहाँ से रोड क्रॉस करके 5 या 10 मिनट लगेंगे मुझे डेकर्स लेन में पहुँचने के लिए। मैं पहुँच गई हूँ इस प्लैनेट मेट्रो स्टेशन और यहाँ से उतर के मैं थोड़ा मुझे वॉक करना पड़ेगा जैसे कि मैंने पहले ही बोला था। और हाँ, अभी भी लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं जो कि बहुत ही वियर्ड है। यही तो ब्लॉगर्स का लाइफ होता है, मैंने देखा है यूट्यूब में ही। तो चलिए चलते हैं। और रोड क्रॉस करना पड़ेगा तो मैं रोड क्रॉस करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि रोड क्रॉस करते करते वीडियो शूट नहीं करना चाहिए ना। और हाँ, ये मेरा बंगाली वाला एक्सेंट, ये हमेशा बीच में आ जाता है। मैंने सोचा कि एक डॉक्टर दिखाऊँ और एक गोली ले लूँ, दवाई कुछ ले लूँ कि मेरा बंगाली वाला एक्सेंट हिंदी के बीच बीच में ना आए। क्रॉस करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर। यहाँ से मुझे जाना पड़ रहा है, यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स है फुटपाथ के ऊपर। और यहाँ से आगे बढ़कर ही है, मैंने आई मीन फिर से मेरा बंगाली वाला एक्सेंट, क्या करूँ। सो यहाँ से आगे जाते हुए हमारा जो डेकर्स लेन है वो है। सो चलते हैं जल्दी जल्दी। मैं आ गई हूँ डेकर्स लेन में। मैं आप लोगों को पहले एक व्यू दूंगी पूरा जो डेकर्स लेन है उसका। फिर यहाँ का जो सबसे फेमस फूड है वो है चिकन स्टू एंड डायमंड फिश फ्राई, तो वो मैं ट्राई करूँगी। पहले आप लोगों को एक लुक पूरा व्यू दे दूँगी। अंकल ने पूछा कि तुम कर क्या रही हो, तो मैंने बोला YouTube चैनल है, तो वो अपना एक इंट्रो देने के लिए राजी हो गए। तो चलिए देखते हैं उनका इंट्रो। वो तो भैया बोल छी और के 30 वर्ष में बताओ और एक हमें पास है आधा का सेवा छे और आगे का सा और एक चैनल है सारे साथ में। देखा वो काकू का
का जो इंट्रोडक्शन नहीं जो उन्होंने बोला वो बहुत बंगाली में बोला, क्योंकि ये कोलकाता है ऑब्वियसली सबको हिंदी अच्छे से नहीं आता है, तो मगर अच्छा बोला। और पता है मैंने जब चाय पिया वहाँ से, उन्होंने चाय का प्राइस भी, यानी कुछ पैसा भी नहीं लिया, ऐसे ही मुझे दे दिया चाय। और उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पर जो फेमस है जो फिश फ्राई और चिकन स्टू वो कहाँ पर मिलेगा, उन्होंने मुझे ये भी बोल दिया कहाँ पर मिलेगा। बहुत ही अच्छे थे वो, मुझे तो बहुत पसंद आया। और उन्होंने बोला कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो और देखो, तो देखना। और हाँ, मैं यहाँ के सबसे फेमस जो दुकान है वहाँ पर जाती हूँ, आप लोगों को दिखा। यहाँ का सबसे फेमस दुकान चित्तो बाबू दुकान, आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है, यहाँ पर ही मिलता है वो फेमस चिकन स्ट्यू और डायमंड फिश फ्राई। तो मैं पहले पूछ लेती हूँ कि अवेलेबल है भी कि नहीं, क्योंकि अभी बहुत लेट हो चुका है और सब दोपहर को खाते तो ख़त्म ना हो जाए, आई होप। हैंड सैनिटाइजर यूज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हाथ से ही खाने वाली हूँ मैं, ज्यादा ही गिर गया है। ठीक है, कोई नहीं, यूज कर लेते हैं। फिर मेरा जो चिकन स्टू और फिश फ्राई है वो तो आ गया है, आप लोग देखो उसका व्यू नाना। और मैं भी रेडी हो गई हूँ अपने क्लीन हाथों के साथ उसको टेस्ट करने के लिए। तो पहले मैं आप लोगों को एक व्यू दे देती हूँ। तो टेस्ट जो है वो मैं बंगाली में बोलूँगी अपने स्टाइल में, जस्ट पाता पाता बहुत बढ़िया टेस्ट है। पता नहीं है कि साउंड अच्छे से आ भी रहा है कि नहीं, गरीबों वाला सेटअप है जैसे कि मैंने पहले ही बोला, 3 साल पुराने फ़ोन से मैं वीडियो लेती हूँ, तो साउंड पता नहीं है कैसे आता है, जैसे भी हो आप लोग मैनेज कर लेना। ठीक है, अगर YouTube से इनकम हो ना तो मैं बढ़िया वाला कैमरा लूँगी, आई स्वेयर। तो इसका टेस्ट यहाँ पर थोड़ा वो जो पेपर का ब्लैक पेपर का टेस्ट आ रहा है, ब्लैक पेपर मुझे बहुत बढ़िया लगता है, तो मेरे लिए ये भी है पाता पाता। खाना हो चुका है, तो फिश फ्राई का जो प्राइस है वो है 75 और चिकन स्टू का है 85, क्योंकि काफ़ी किफ़ायती है, आई मीन टेस्ट तो बहुत बढ़िया है, टेस्ट के हिसाब से एकदम बढ़िया है। और मैं जो है काकू को पूछने वाली हूँ कि उनका चिकन, आई मीन स्टू का चिकन इतना सॉफ्ट कैसे हुआ, देखते वो उनका सीक्रेट वाला राज है, सीक्रेट बोलते हैं कि তো সফট কি করে হলো স্টু এর আমাদের লাগা দিয়ে কষ্ট করতে হয়ে যায় না, আধা ঘন্টা কষ্ট হয়ে যায়। যে বলা ও হয় কি ও उसको मसाले से पकाते पकाते वो सॉफ्ट हो जाता है, सीरियसली सीक्रेट नहीं बोलेंगे, तो राज है ना वो नहीं बोलेंगे, इसलिए ये बोला, वरना चिकन का खुश तो राज है। उन्होंने बोला कि मसाला डाल के वो उसको पकाते पकाते हीट में वो सॉफ्ट हो जाता है, मगर मुझे ये नहीं लगता। ठीक है, घर जाके कोशिश करके देखूंगी ये वाला स्टू, अगर नहीं हुआ ना फिर आके यहाँ पर बोलूँगी कि आपने झूठ बोला था, सीक्रेट बोलो आप।
बहुत आगे आ चुकी हूँ, यहाँ पर एंड है डेकर्स लेन का और बस और नहीं जाने वाली, अभी आगे जाऊँगी। और काकू ने मुझे बोला था कि वो कैसे देख पाएंगे मेरा चैनल या मेरे वीडियोस, तो मैंने बोला था काकू मैं रिटर्न आके आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दूंगी, तो मैं जाऊंगी और उनके मोबाइल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब करके दूंगी ताकि वो भी मेरा वीडियोस देख पाए। तो ये है काकू का फोन, मैं इसमें सर्च करूंगी अपना नाम, अपने चैनल का नाम। तो आ गया है मेरा चैनल और यहाँ से इसको मैं सब्सक्राइब मैंने कर दिया और बेल बटन में ऑल ऑप्शन, सो हो गया है सब्सक्राइब। अब मैं रिटर्न कर दूंगी, आपको होएगा अच्छे और आपने का नोटिफिकेशन आज पे आपने देखा था नाम का वीडियो, अरे वीडियो तो वाश में किसी को मोटा मोटा है एकदम अच्छा। आपने अपना नंबर दिया ना, ब्लॉग शूट करते करते आई एम रियली गेटिंग फेमस, हाँ सब मुझे बोल रहे हैं और सब आके देख रहे हैं क्या है, बहुत ही वियर्ड लग रहा है और यहाँ मैं यूज्ड टू हो जाऊँगी बोलते बोलते ब्लॉग शूट करते करते। तो ऑलमोस्ट ये ब्लॉग हमारा ख़त्म हो चुका है, खाना बहुत टेस्टी था यहाँ का ब्लॉग, मैं बहुत बार यहाँ पर आ चुकी हूँ पहले मगर कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि यहाँ पर अभी कभी ब्लॉग भी मैं शूट करूँगी, तो वो मैंने आज किया है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। निकल चुकी हूँ डेकर्स लेन से, अभी मैं जा रही हूँ आगे, फिर मुझे मेट्रो में चढ़ना पड़ेगा, फिर मेट्रो से उतर के फिर मुझे वॉक करना पड़ेगा अपने घर तक और यहाँ पर लाइट बहुत कम है, पता नहीं है कि मेरा फेस ठीक से आ भी रहा है कि नहीं, मगर हाँ बहुत मज़ा आया। आप लोगों को पता है कि फिर से वही वाला डायलॉग, मुझे पता नहीं कि मेरा ये बार बार क्यों आता, जैसे कि आप लोग को पता है और आप लोग देख सकते हो ये दो डायलॉग, ये मेरा टैग लाइन होने वाला है, इसमें कि बार बार आ जाता है मेरे, आई मीन मैं बंगाली, मैं बंगाली हूँ मगर हिंदी अच्छे से बोल लेती हूँ, मगर ये दो लाइन बार बार मुझे पता नहीं कि कैमरा पकड़ते ही बार बार ये दो लाइन क्यों आ जाते हैं, मेरे कुकिंग वीडियोज़ में भी आ जाते हैं। तो मेट्रो स्टेशन में जाके मैं आपसे मिलती हूँ क्योंकि लोग बहुत ही वियर्ड तरीके से मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। मैं मेट्रो स्टेशन आ चुकी हूँ, अभी यहाँ से मैं मेट्रो में जाऊंगी, आई मीन मेट्रो में चढ़ूंगी फिर घर जाऊंगी मेट्रो से उतर कर। तो मेट्रो स्टेशन के अंदर तो जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने बहुत बार बोला है, नहीं दो कि तीन बार बोला, दो या तीन बार, कि अगर मैं वीडियो करने जाऊंगी ना तो बस जेल में मिलूंगी आप लोगों से वीडियो करते हुए। और कुछ अजीब तरीके का अनाउंसमेंट भी स्टार्ट हो गया है, आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा होगा, तो बाय बाय, मैं मेट्रो से उतर के फिर मिलती हूँ। गाइस मैं मेट्रो से आ चुकी हूँ और रविंद्र सौरभपुर में मैं उतरी हूँ और मैं जा रही हूँ अपने घर, स्टेयर्स ले रही हूँ, बहुत थक गई हूँ, इतने में ही थक गई हूँ, मैं पता नहीं है कुछ क्या प्रॉब्लम है मुझे, इतने में थक वक जा रही हूँ मैं। और हाँ जो मैं बोलना चाहती थी लास्ट में वो है, मैं ना सब्सक्राइबर की कंगाल हूँ, सब्सक्राइबर बहुत कम है मेरे पास। और हाँ और एक बात, लाइक करो, शेयर करो मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्यों नहीं करते, मैं इतना कुछ करती हूँ आप लोगों के लिए, मैं खाना बनाती हूँ, वीडियोस पोस्ट करती हूँ उसका, फिर ब्लॉग्स भी करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छे अच्छे वीडियोज़ आएंगे ना। जैसे कि मैंने बोला ही है कि मैं कंगाल हूँ सब्सक्राइबर्स के लिए, आई मीन सब्सक्राइबर मैं कंगाल हूँ, सब्सक्राइबर मुझे चाहिए। तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, और हाँ चैनल पे बने रहिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के लिए और वीडियोस के लिए। तो मैं जाती हूँ घर और मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।